ये हैं रवि भाई, जिन्होंने जौनपुर शाहगंज के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का वीडियो बनाकर हमें भेजा। रवि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, जफराबाद रेलवे स्टेशन आ रहा है और थोड़ा सा एक व्यू हम आप लोगों को जफराबाद रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं। उसके बाद जो हम आप लोगों को अपडेट देंगे वो जौनपुर से शाहगंज के बीच में डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का देंगे। जफराबाद का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं VF7 वाली गोदान एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो छपरा या गोरखपुर से LTT के बीच में चलती है। LHB कोच वाली ये ट्रेन, और इसका व्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सराय रानी रेलवे स्टेशन से नॉन स्टॉप व्यू। तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम यही एक ऐसी ट्रेन बची थी जिसको इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संचालित करना था। बाकी अभी शाहगंज से अयोध्या कैंट की दिशा में किसी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या कैंट से बाराबंकी के बीच में भी अभी पूरी तरह से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक महीने के अंदर अयोध्या कैंट बाराबंकी सेक्शन पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट कर लिया जाएगा। तो फिर किसी भी दिशा में आप लोग जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ही ट्रेनों का संचालन आप लोगों को होते हुए मिलेगा। तो एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों को दिखाते हुए हम गोदान एक्सप्रेस का भी, और जिस ट्रेन से रवि भाई सफ़र कर रहे हैं ये भी गोदान एक्सप्रेस ही है, और इत्तेफाक से इसमें भी VF7 लोको लगा हुआ है। तो जफराबाद में क्रॉस हुआ है, एक मुंबई से आ रही है और एक मुंबई को जा रही है, यानी कि LTT को लोकमान्य तिलक टर्मिनस। इसके अलावा जफराबाद से लेकर बाराबंकी तक डबलिंग का काम भी किया जा रहा है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है सिंगल लाइन के लिए, वो सिर्फ अयोध्या कैंट से बाराबंकी के बीच में बचा हुआ है। बाकी जो डबल लाइन के लिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अभी कहीं भी पूरा नहीं हुआ है, उसका भी काम चल रहा है। लेकिन हम जो आप लोगों को अपडेट देंगे जौनपुर से आगे शाहगंज की दिशा में, तो वो केवल डबलिंग का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित डबल लाइन के लिए काम ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ट्रैक बिछाने का काम चल ही रहा है, यहाँ पर बैरास वगैरह भी भर दी गई है ट्रैक के बीच में, कहीं कहीं पर नहीं भरी है। दो स्टेशन पड़ते हैं जौनपुर से शाहगंज के बीच में, एक मेहरावा है और एक खेतासराय। तो सामने देख सकते हैं हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप यहाँ से गुजर रही है मेहरावा रेलवे स्टेशन, और ये देखिए यहाँ पर ट्रैक डाला जाएगा। तो जो पोल्स या मास्ट इसमें ट्रैक के बीच में आए हैं जहाँ पर डाला जाना है, इनको अभी पीछे शिफ्ट किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज भी तैयार हो रहा है, तो एक तरह से मेहरावा रेलवे स्टेशन का हम आप लोगों को अपडेट भी दे रहे हैं। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म से संबंधित कितना काम हो गया है, रॉ मटेरियल सीट वगैरह मिट्टी बजड़ी वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं। स्लीपर भी यहाँ पर ढेर सारे रखे हुए हैं नॉन स्टॉप गुजरती हुई गोदान एक्सप्रेस, जो LTT से छपरा के बीच में चलती है और LTT से गोरखपुर के बीच में भी। तो यहाँ पर भी देखिएगा आगे, अगर आप लोग थोड़ा सा नज़र डालें ढेर सारी यहाँ पर रेल लाइन पटरियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और ये डबल लाइन के लिए ट्रैक। तो बात अगर जफराबाद से बाराबंकी के बीच में डबलिंग की करें, तो डबलिंग से संबंधित भी तेज़ रफ्तार से काम किया जा रहा है। रेल बेड काफ़ी तेज़ रफ्तार से बनाया जा रहा है जिस पर ट्रैक बिछाया जाना है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो रेल बेड तैयार, लेकिन अभी यहाँ पर बैलास और मोरंग नहीं डाली गई है, समतल करने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं धीमी रफ्तार से हमारी ट्रेन आगे बढ़ती हुई, और चूँकि इस समय जैसा कि जौनपुर से शाहगंज के बीच में जो डबलिंग का काम चल रहा है हम अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को, तो इस बीच में जितने भी हॉल्ट आते हैं उनको सबको स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर बूम भी लगाने का काम कर लिया गया है, और खेतासराय से भी हम आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट जो देंगे चलती हुई ट्रेन से ही दिखाएंगे, सब कुछ कवर भी हो जाएगा। यहाँ आगे भी देख सकते हैं, तो रेल बेड तैयार पूरी तरह से, बैलास फैलाना बाकी है। इस फाउंडेशन में मास्ट अभी नहीं डाला गया है, आगे वाले फाउंडेशन में मास्ट पड़ा हुआ है, तो जब तक यहाँ पर बैलास्ट नहीं डाला जाएगा तो उसके ऊपर तब तक
स्लीपर डाल के ट्रैक बिछाने का काम शुरू नहीं होगा, तो डबलिंग में यही फ़ायदा होता है, हॉल्ट भी स्टेशन में तब्दील हो जाते हैं, सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं, यात्री सुविधाएं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो एक तरह से कुछ लोग यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स लाने का काम जो गाड़ियाँ कर रही हैं, तो मोटरसाइकिल के लिए भी एक तरह से तब तक रोड का ही काम करती हैं जब तक ट्रैक वगैरह नहीं बिछा दिया जाता है, लोग आने जाने में इसका प्रयोग करने लगते हैं। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी से जल्दी काम डबलिंग के लिए कर लिया जाए ट्रैक बिछाने का, तो उतनी ही जल्दी आसानी हो, क्योंकि जब गाड़ियाँ निकलने लगती हैं, रोड की तरह इस्तेमाल होने लगता है, तो जो रेल बेड तैयार किया होता है उसमें भी कुछ गड्ढे वगैरह या धूल उड़ जाती या मिट्टी बह जाती है। तो कोशिश यही रहती है रेलवे की कि जल्द से जल्द काम करा लिया जाए। यहाँ पर भी देख सकते हैं मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, तो एक तरह से ये देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल है, ये हद है, उसके उधर ही तक लोगों को अपने काम और अतिक्रमण सीमित रखना है, ट्रैक के इस साइड में नहीं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मास्ट भी आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, रेल बेड भी तैयार है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ हिस्सा है जहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया कि बहुत सा काम हो चुका है, आगे भी आप लोगों को वो हिस्सा भी दिखाएंगे जहाँ पर काफ़ी काम अभी बचा हुआ है। तो बस यहाँ पर ट्रैक बिछाने की देर है पैलास फैलाने के बाद। अब यहाँ पर भी नज़र डालिएगा, तो यहाँ पर जो रेल बेड है वो अभी प्रॉपरली नहीं तैयार हुआ है, गड्ढे भी हैं, उबड़ खाबड़ भी है, लेकिन मास्ट हैं वो लगा दिए गए हैं, और बीच बीच में इनके पेड़ भी आ रहे हैं, इनको काटा भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा भी करना चाहिए, जहाँ पर डबलिंग से संबंधित काम चल रहा है वहाँ पर जो पेड़ आ रहे हैं उनको ट्रैक के और दूरी पर लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा मास्ट नहीं लगाए गए हैं फाउंडेशन पर, और काम बखूबी यहाँ पर चल रहा है, पुलिया का निर्माण भी कराया जा रहा है। तो बात वहीं कह रहा था कि जिस तरह से जब 4 लेन की सड़क कोई बनाई जाती है तो जो पेड़ जद में आते हैं, तो उसके बदले में बीच में भी पौधे वगैरह पेड़ वगैरह डिवाइडर में लगाए जाते हैं, रेलवे को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो ट्रैक से इतनी दूरी पर पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि जो हरियाली का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाए और हरियाली भी बनी रहे। यहाँ पर काम अभी देखिए बहुत सारा बाकी है, ये देखिए, तो यहाँ पर भी एक लेवल हद बना दी गई है, बाउंड्री बना दी गई है, लेकिन अभी जो रेल बेड है वो प्रॉपरली समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए देख सकते हैं मिट्टी का ढेर सारा यहाँ पर लगा हुआ है ढेर। और अब जो हमारा स्टेशन आएगा थोड़ी देर में वो खेता सराय, तो यहाँ पर ट्रैक बिछाने का जो काम है वो कर लिया गया है डबल लाइन के लिए, आप देख सकते हैं बखूबी पटरियाँ भी पड़ी हुई हैं, ट्रैक बिछा लिया गया है, अलग से भी कुछ रेल लाइंस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देखिए मास्ट वगैरह भी लगे हैं, ब्रैकेट्स भी लगे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो ट्रैक है वो यहीं पर बनाया गया है। हालांकि हमने आप लोगों को शाहगंज से अयोध्या के बीच में भी दिखाया था कि वहाँ पर भी सबसे पहले ट्रैक बिछाने का काम किया गया था, और फिर यहाँ पर भी ट्रैक बिछाने का काम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बेहतरीन अपडेट रवि भाई के ज़रिए हम आप लोगों को जौनपुर से शाहगंज के बीच में दिखा रहे हैं, और पहली बार इलेक्ट्रिक लोको से जौनपुर से शाहगंज के बीच में जो रवि भाई हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक लम्हा भी। नोटिफिकेशन नहीं आ पाया लेकिन ट्रेनें पहले ही चला दी गई, और जैसे ट्रेन चली तो ट्रेन चलने की खबर भी मिल गई कि इलेक्ट्रिक लोको से संचालन किया जा रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम अब जो प्रयागराज से छपरा तक डीजल लोको से चलती थी, तो अब डीजल की बचत बहुत होगी, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट लग जाती थी डीजल लोको के द्वारा, जब वहीं की जब इलेक्ट्रिक लोको से संचालन होता है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए खेता सराय रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रैक बिछाने का काम हो गया, बैलास्ट डाला जाना बाकी है अभी ट्रैक के बीच में, लेकिन मास्ट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे यहाँ पर, तो मास्ट अभी तक नहीं लगाए गए हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर फाउंडेशन भी नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, बाएं दिशा में गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम भी नहीं हुआ, अब देखिए कभी जब ब्लॉक लिया जाएगा तो किस तरह से ये क्रॉस ओवर बनाया जाएगा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं।
तो बस यहीं तक ट्रैक बिछा हुआ है और आगे ट्रैक बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू होगा। तो एक अच्छा सा अपडेट जौनपुर से शाहगंज के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, और डबलिंग का भी। खेता सराय रेलवे स्टेशन आ रहा है, धीमी रफ्तार से हमारी ट्रेन गुजर रही है, तो खेता सराय रेलवे स्टेशन का भी हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं रवि भाई की मदद से। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से यहाँ पर स्लीपर डाले जा रहे हैं और क्रॉस ओवर बनाया जा रहा है, क्योंकि स्टेशन आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ट्रैक बिछाए जाएंगे, क्रॉस ओवर रहेंगे यहाँ पर, जिससे कि कई ट्रैक इधर से उधर हो जाए, उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएँ, उस ट्रैक पर हो जाए। तो सिस्टमेटिकली वे में यहाँ पर काम किया जाएगा। और जहाँ तक डबलिंग था तो वो आउटर तक काम किया गया था, उसके बाद रोका गया, फिर स्टेशन के बाद काम चलेगा डबलिंग का, क्योंकि ढेर सारे ट्रैक यहाँ पर और भी रहेंगे। तो जल्द से जल्द डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जौनपुर से शाहगंज के बीच में पूरा करने की कोशिश रहेगी रेलवे वालों की, जिससे कि इस सेक्शन को जल्द से जल्द खोला जा सके डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। क्योंकि फिर मेरे ख्याल से जौनपुर के आगे अगर आप जफराबाद तक छोड़ दें, तो जफराबाद से आगे का जो सेक्शन है वो डबल लाइन का है, ऐसी संभावना है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है खेता सराय रेलवे स्टेशन पर, तो नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया जा रहा है, रेल बेड तैयार, लेकिन अभी स्लीपर वगैरह और बैलास्ट फैलाना बाकी। प्लेटफॉर्म के ऊपर मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है, वो भी समतल अभी तक नहीं किया गया है, तो काम बहुत ज़्यादा अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक जौनपुर से शाहगंज के बीच में 5 से 6 महीना आसानी से लग जाएगा ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के काम को पूरा करने में। सितंबर के बाद ही आप मान सकते हैं कि इस सेक्शन को CRS स्पीड ट्रायल के लिए खोला जा सकता है, क्योंकि काफ़ी काम आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो बचा हुआ है। प्लेटफॉर्म्स पे तो बचा ही हुआ है काम, स्टेशन पर तो बचा ही हुआ है, लेकिन जो आउटर पे भी डबलिंग से संबंधित हैं, कई जगह मास्ट नहीं लगे हैं, तो मास्ट भी लगाए जाने बाकी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, फुट ओवर ब्रिज भी तैयार हो गया है लगभग, टीन शेड वगैरह डाला जाना अभी बाकी है ऊपर शेड के लिए। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर किसी भी सेक्शन का जहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वहाँ का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों तक, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ किसी अन्य परियोजना पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।